अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा, लास्ट टॉपिक हमारा जो था वो स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान का डिफरेंस था, और उनके बारे में हमने जो डिस्कशन की थी उसके बारे में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपके पास वेलोसिटी की टाइप्स की हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेलोसिटी आर देयर। तो हम कौन कौन सी वेलोसिटीज पढ़ रहे होते हैं या पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं पहली टाइप से, विच इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब आपके पास होता है रिमेन सेम या कांस्टेंट, यानी ऐसी वेलोसिटी जो चेंज ना हो तो यूनिफॉर्म रहती है। तो उसको आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, सेम डिस्प्लेसमेंट कवर्स बाय अ बॉडी इन सेम इंटरवेल ऑफ टाइम velocity is called uniform velocity। यानी सिंपली आप इस बात को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एक ही जैसा डिस्प्लेसमेंट बार बार एक ही टाइम में कवर किया जाए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और बॉडी इस डिस्टेंस के दरमियान, दो पॉइंट्स दरमियान मैं डिस्प्लेसमेंट कवर कराता हूँ बॉडी को, तो वो डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल 1 मीटर का है। बॉडी ने ए से बी जाने में जो टाइम लिया वो लिया 2 सेकेंड। ओके ओके, जब बॉडी वापस बी से ए आई, डिस्टेंस वही है, सेम है 1 मीटर, और दिस टाइम अगेन बॉडी टेक 2 सेकेंड टू कंप्लीट दिस डिस्टेंस। सो एवरी टाइम इट मूव फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए, इट ऑलवेज कंप्लीट इट्स डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड। इसका मतलब द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉन्स्टेंट, जिसको आप कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कोई चीज नहीं आया वेलोसिटी में। ओके गुड, ओके नेक्स्ट टाइप इज वेरिएबल velocity। अच्छा, जिस तरह से आपके पास यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट था, वैसे ही वेरिएबल का मतलब है चेंज या चेंजेबल। ऐसी वेलोसिटी जो चेंज हो, कब कहूंगा कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट कवर्स बाय अ बॉडी इन सेम इंटरवेल ऑफ टाइम। सही है, डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट सेम इंटरवेल ऑफ टाइम में कवर किया जाए तो मैं कहता हूं ये क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी। या फिर आप कह सकते हैं सेम डिस्प्लेसमेंट कवर्स बाय अ बॉडी इन डिफरेंट इंटरवेल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। सही, यानी अब भी मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है फॉर एग्जांपल सेम है ए टू बी, और 1 मीटर का यहाँ से यहाँ तक का आपके पास डिस्प्लेसमेंट है जो बॉडी कवर करेगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में बॉडी ने टाइम लिया 2 सेकेंड,
बट जब वो वापस आई सेम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दिस टाइम टाइम विल बिकम 5 सेकेंड, इट अगेन कवर्स द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, टाइम चेंज हो गया 3 सेकेंड. तो अगर सेम डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो, या फिर डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट सेम इंटरवल ऑफ टाइम, तो दोनों कंडीशन में आपके पास वेलोसिटी वेरिएबल है, यानी हर पॉइंट पे वेलोसिटी आपके पास चेंज हो रही है. ओके, देर आर टू मोर काइंड ऑफ वेलोसिटी. फर्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी. डेफिनेशन की हद तक तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्स बाय अ बॉडी इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम. इसको आप कहते हैं क्या? एवरेज वेलोसिटी. ओके, सो टोटल का हरगिज मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पे किसी चीज को ऐड करेंगे. टोटल का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने डायग्राम बना के समझाता हूँ कि बॉडी ने एक साथ कई सारे डिस्प्लेसमेंट कवर किए. फॉर एग्जांपल इट विल गो फ्रॉम ए टू बी, देन बी टू सी, सी टू डी, एंड फाइनली डी टू ई. मैं कह रहा हूँ कि मुझे बॉडी का एवरेज वेलोसिटी मालूम करना है, तो आप क्या करेंगे? फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको मैं इनिशियल कह रहा हूँ, टू द फाइनल पॉइंट, सही, इन दो पॉइंट्स के दरमियान मैं क्या करूंगा? बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर. इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम मुझे मालूम करना होगा. यानी अगर मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दोनों तरफ का टाइम और डिस्प्लेसमेंट ले लूं और उनको डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास जो वेलोसिटी आती है वो एवरेज वेलोसिटी आती है. तो टोटल का मतलब है कि ये इन दो पॉइंट्स के दरम्यान में जो भी वेलोसिटी हुई है, ये सारी, या डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, टाइम कवर हुआ है, वो मैक्सिमम है, टोटल. इसी वजह से डेफिनेशन में हमने इसको टोटल कंसिडर किया है, सही है. तो फॉर्मूले की हद तक आपको अगर इसको बताना है तो कैसे बताएंगे? तो इसका जो फॉर्मूला है, अच्छा, एवरेज दिखाने के लिए मैं इसके नीचे ए वी जी लिखूंगा, ये एवरेज है. आपके पास डिस्प्लेसमेंट का चेंज आएगा. डिस्प्लेसमेंट का चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम से डिवाइड करेंगे और इसमें भी टाइम का चेंज आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल. यानी जिस वेलोसिटी के अंदर टाइम का भी चेंज निकाल लिया जाए, उस वेलोसिटी को आप एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, सही है. फॉर्मूले के अलावा बाकी सब चीज़ें वही हैं, यूनिट भी सेम है, सही है, और इसकी बाकी सब चीज़ें, रिप्रेजेंटेशन वगैरह सब सेम है, वेक्टर क्वांटिटी है. बट इसको समझने की बात क्या थी कि हम इनिशियल और फाइनल के दरमियान का जो वेलोसिटी निकालते हैं, उसको आप एवरेज वेलोसिटी कहते हैं. ओके, एक आखिरी फाइनल वेलोसिटी आपके पास कौन सी है? वो है आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस कब होती है? वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस उस वक्त होती है जब आप लिमिट अप्लाई कर देते हैं वेलोसिटी के ऊपर, यानी कि आपके पास वो वेलोसिटी जो बहुत कम टाइम के लिए, बहुत पर्टिकुलर टाइम के लिए फाइंड आउट की जा रही हो, सही है. तो उसको आप डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम.
जिसको आप कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए इंस्टेंट का तो मतलब मुझे पता चल गया ना, इंस्टेंट मतलब बहुत ही कम टाइम या बहुत जल्दी। तो अगर मैं कहूँ कि इसका फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूले में आपके पास कोई फर्क नहीं है। फिलहाल इंस्टेंटेनियस को दिखाने के लिए मैं इसको सिंबलाइज भी करूँगा, और फॉर्मूला आपके पास वही है, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि आपके पास चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो है और चेंज ऑफ टाइम भी है, विच इज टी एफ माइनस टी आई। बट टाइम को आप लिमिट करने के लिए एक बात जरूर लिखेंगे, और उसके लिए आपको लिमिट एक्चुअली लगाना पड़ेगा। लिमिट लगाने का मतलब है कि आप अपनी वैल्यू को लिमिट कर रहे हैं, सही है, किसके लिए? टी टेंड्स टू जीरो। आप अपनी वैल्यू को लिमिट कर रहे हैं टी टेंड्स टू जीरो। टी टेंड्स टू जीरो का मतलब ये इतनी छोटी वैल्यू है जो अप्रोच कर रही है जीरो को। इट इज 0.01 और 0.1 और 0.5, नॉट मोर देन 1 सेकेंड। इट इज वेरी 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 स्मॉल टाइम पीरियड टू कंप्लीट अ डिस्प्लेसमेंट। सो इट इज बेसिकली कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सही है, बात समझ में आई? होपफुली आपको समझ में आया होगा टॉपिक, और वेलोसिटी की ये टाइप्स आपको समझ में आई होंगी। इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनके साथ बहुत सारी चीज़ें लगकर आती हैं। सो अगर इसमें कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, वीडियो को शेयर करें जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है इन सब चीज़ों को समझने की, पढ़ने की, और सब्सक्राइब करें। प्लस इसके अलावा कोई टॉपिक आपको प्रॉब्लम करता है उसके बारे में लिखें, तो आके मैं उनके पर भी वीडियोस बना सकूं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।